रावलपिंडी की तारीख सदियों पर मोहित है। इस शहर का बरेसगीर के अहम तजारती और अस्करी मराकस में शुमार होता था और अब भी होता है, और यहाँ की सकाफत और रवायात भी कदीम दौर की अक्कासी करती हैं। आज का रावलपिंडी एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर है, मगर इसकी गलियों और बाजारों में माजी की झलकियाँ आज भी मौजूद हैं। कदीम अमारतें, तारीखी मुकामात इसके तारीखी पस मंजर की अक्कासी करते हैं। इसी सिलसिले में हम आपको पिंडी के तीन तारीखी मुकामात की सैर करवाएंगे। सबसे पहले हवेली सोजन सिंह, जो रावलपिंडी में 19वीं सदी की अजमत का एक शानदार नमूना है। इस हवेली को मारूफ सिख ताजर सोजन सिंह ने तामीर करवाया। ये अमारत इस दौर की तहजीब, फन तामीर और सकाफत का कीमती नमूना है। ये हवेली अपनी खूबसूरत अमारत और शानदार डिजाइन की वजह से आज भी मुतासिर कुन है। हवेली के सामने पहुंचकर आप देख सकते हैं कि इसके दाखिली दरवाजे पर बने खूबसूरत नक्शो निगार कितने उमदा हैं। ये फन पारे उस दौर की महारत और तख्लीकी सलाहियतों को जाहिर करते हैं। बरामदे में दाखिल होते ही आपको पता चलेगा कि सतूनों पर बने नक्शो निगार, जिनमें फूलों और पौधों के उमदा डिजाइन शामिल हैं, कितनी नफासत के साथ तैयार किए गए हैं। ये नक्शो निगार इस दौर के मुमारों की महारत और तख्लीकी सोच की अक्कासी करते हैं। ये अमारत अपने तजारती और रिहायशी मकासद के साथ साथ सकाफती मरकज का अक्स भी पेश करती है। अब हम आते हैं रावलपिंडी की मरकजी मस्जिद की तरफ, जो इस्लामी फन तमीर की शान शौकत की एक उमदा मिसाल है। ये मस्जिद 19वीं सदी के आखिर में तामीर की गई थी और ये शहर के दिल में वाक़ है। मस्जिद का आलीशान वसी सेहन, जिसमें 10,000 से जायद अफराद बाद जमात नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद की तामीर में इस्लामी तर्ज तामीर की बेहतरीन मिसाल है, जिसमें बुलंदो बाला मीनार, खूबसूरत गुंबद और उमदा मेहराबे हैं। मस्जिद के गुंबद की खूबसूरती और इसकी रंगत इस्लामी रवायात में अमन और सुकून की इलामत है। गुंबद की साख्त और इसके इर्द गिर्द मौजूद मीनार इस्लामी फन तामीर की महारत और अजमत को जाहिर करते हैं। मस्जिद के अंदर संगे मरमर के फर्श और दीवारों पर बने खूबसूरत नक्शो निगार एक रूहानी माहौल तख्लीक करते हैं। इसके दाखिली हिस्से की खामोशी और सुकून इबादत और दुआ के लम्हों को मजीद पुर असर बना देते हैं। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत का मुकाम है, बल्कि मुस्लिम सकाफत की जमालियात का भी नुमाइंदा है, जो हमें इस्लामी फन जमालियात की खूबसूरती का एहसास दिलाता है। आखिर में आपको शाह चंद चराग की अजीम अमारत के बारे में बताएंगे। ये तारीखी और रूहानी मकामात में से एक नुमाया मिसाल है। ये अजीमुल शान अमारत पीर मेहर अली शाह के अकीदत मंदों के लिए खास अहमियत रखती है। शाह चंद चराग की अमारत एक खूबसूरत और मुनफरिद फन तामीर का नमूना है, जिसकी हर दीवार और हर गोशा इस्लामी सकाफत और विरसे की अक्कासी करता है। इस इमारत की खासियत इसके गुंबद और मीनार हैं, जो दूर से ही नजर आते हैं और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। इमारत के अंदरूनी हिस्से में मजी आरायशी काम, खताती और मोज़ेक यानी नक्शो निगार की गई है, जो इस्लामी फन तामीर के जमालियाती हुसन को मजीद बढ़ाती है। शाह चंद चराग की अमारत न सिर्फ तारीखी बल्कि एक सकाफती विरसा भी है, जो हमें माजी की याद दिलाता है। यहाँ आने वाले जायरीन इस्लामी तारीख और फन के अजीम नमूनों से लुत्फ अंदोज होते हैं। रावलपिंडी की तीन अहम इमारतों के बारे में तो आपने सुना और देखा। इसमें एक अहम बात यह है कि रावलपिंडी एक तारीखी, सकाफती, तजारती और दिफाई अहमियत का हामिल होने के साथ साथ इंटरफेथ हार्मनी का हब भी रहा है। हमें अपनी तारीख पर नजर डालते हुए अब भी इंटरफेथ हार्मनी और बाहमी तफरीक को ख़त्म करते हुए एक कौम का सबूत देना चाहिए।